Hi, this is Heena Panchal and you're watching me on timesofindia.com. मेरा तो रैप्चिक था, अमेजिंग था एंड इट वाज फन क्योंकि मैंने बहुत दोस्त लोग बना दिए और मैंने इतने मोमेंट्स मेरे उधर वो घर पे है. मैंने शेबू बोलो, मयूर बोलो, बलराज बोलो, मैंने सबके साथ जो धमाल मस्ती की है, मैंने कभी किसी लड़के का वैक्स नहीं किया, वो मुझे करने मिला उस घर के अंदर. मेरे को रोने मिला उन लोगों को लेकर, मुझे हंसने मिला उन लोगों को लेकर, हम लोग मेरे को टांग खींचने मिली सब चीज़ों को लेकर. सो इट वॉज लाइक ओवरऑल अ वेरी गुड जर्नी फॉर मेरे दिमाग में. सीरियसली स्पीकिंग, जब मुझे पूछा गया था कि एम एस के विल भी ऐसा कि ये लड़का होगा वो लड़का होगा, तो मैंने ये भी पूछा था कि क्या पारस से ही हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा या फिर वी कैन एक्सप्लोर अदर गाइज, बिकॉज आप 5 लड़के को भी भेज रहे हो. अगर मुझे पारस नहीं पसंद आ रहा, मुझे अगर कोई पसंद आ, सो आई होप इट इज़ ओके विद इट. बट पारस ने अगर एफर्ट्स डालने हैं तो कर लेंगे, गेम तो गेम होता है, बात करें नहीं करें. आई वाज जस्ट लाइक ओपनली आस्किंग एवरीथिंग. सो जब उन्होंने मुझे ये बोला या यू कैन व्हाटएवर योर माइंड से, जो भी तुम्हारा दिल बोलता है वो तुम करो, सो तब मेरा ये दिमाग में आ ही गया कि ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव थोड़ा करती हूँ और ये साल मेरे लाइफ में लिखा है कि मुझे लव ऐसा हो जाएगा मई मंथ के बाद. तो मैंने एक्सपेक्ट किया था मई महीने में तब चाहेगा, बट हुआ नहीं. ओके, सो तो इट वॉज अ वेरी गुड, लाइक मुझे ऐसा लगा कि ये करना ज़रूरी है, शायद से कोई मेरा राजकुमार मुझे वहाँ मिल जाए. बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने पैसे वाले होंगे, क्योंकि मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास वाली लड़की हूँ एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सब वही रेंज मतलब वैसे ही होंगे. बट दे वर लाइक टू रिच फॉर मी एंड उनकी बातें मेरे सब सर के ऊपर से जा रही थी, बिकॉज मैंने कभी पैसों को लेकर बात ही नहीं की अपनी लाइफ में. बट इट वॉज ओवरऑल मतलब चलो जाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है, नहीं तो नहीं, अपना नेचर बता दो, बाहर कोई मिल जाएगा आपको अगर घर के अंदर नहीं मिला तो. देखो, संस्कारी प्ले बॉय का मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है. अगर लाइफ इज ऑल अबाउट जो तुमको एक्सपेक्ट है, लाइक हर एक का एक सेटिस्फैक्शन होता है, हर एक को एक लाइफ में इंजॉय करने मिलता है एंड गर्ल बॉय का अटैचमेंट होना ही होता है. सो वो कभी भी हो सकता है, वो प्री प्लान नहीं होता है चीज़ों को लेकर. सो संस्कारी प्ले बॉय अगर उसको नाम भी मिला है तो संस्कारी तो है ना, प्ले बॉय तो कौन नहीं है आज की तारीख में. सो जैसे कि मुझसे बात की गई थी, तो जब बात आती है संस्कारी इज़ लाइक वेन योर फैमिली इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तो मुझे भी ये दिया ही गया था टैग कि हीना संस्कारी प्ले बॉय के लिए एक संस्कारी प्ले गर्ल भी आ चुकी है. सो आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज इट इज़ जस्ट अ टैग एंड अंदर से हम लोग को पता है कि हम क्या एग्जैक्ट हैं. मेरे 3 लोग थे, हर एक के साथ मेरा अलग अलग वाइब्स था. जो मेरा मतलब बल्लू के साथ बहुत सेंसिबल कॉन्वर्जेशन होता था, शहबाज के साथ मेरी बहुत मस्ती होती थी एंड मयूर के साथ मेरा सेंसिबल कॉन्वर्जेशन के साथ साथ एक मस्ती होती थी. हम मार पिटाई करते थे, मतलब जैसे भागते थे एक दूसरे के पीछे. सो आई थिंक ये तीनों के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन बना है. और जैसे कि जब मेरे को गेम में पूछा भी गया था कि अगर आपको किसी को ये उनके फ्यूचर को लेकर, इस गेम को लेकर आगे उनका इम्पॉर्टेंट है उन लड़कों का, तो आपको वोट करना है एक लड़के को, जब सब लोग ने पारस का नाम लिया था एंड अंकिता ने बलराज का नाम लिया था, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मयूर का नाम लूँगी, बिकॉज बाहर नहीं दिखा है मेरा और मयूर का तब तक कोई भी बॉन्ड या कुछ भी, बिकॉज वो जसलीन का बहुत अच्छा दोस्त था पहले एंड बिकॉज ऑफ जसलीन माई वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो इसीलिए मैंने उन दोनों का पैचअप करने के लिए या उन दोनों को साथ में रखने के लिए मेरा हमेशा मयूर से कॉन्वर्जेशन होता था और मैं उसको बहुत समझाती थी. आई थिंक वो हिसाब से हमारा बॉन्ड एक्चुअल स्ट्रॉन्ग हो चुका है. कौन बोला मैं शादी करने, मैंने बोला था एक्सप्लोर करने जा रही हूँ. शादी का कन्फर्मेशन तो मैंने मेरे पप्पा को भी नहीं दिया था, तो उधर तो मैं किसी को ना दूँ. सो बट ये बिग बॉस को लेकर, क्योंकि बिग बॉस हो गया था, सारे लोगों ने पारस को और शहनाज को बिग बॉस में देखा था, तो जो मेन लड़कियां थी, जो संजना, नवदेश, उन लोग के अंदर वो बैठ गया था कि वही घर है, मतलब हमें बिग बॉस जैसा ही गेम खेलना है, ये करना है वो करना है.
सो बट उनको ये बट टास्क अगर आप जो भी गेम्स थे हम लोग उसको टास्क नहीं बुला सकते थे बिकॉज वो टास्क नहीं था, वो गेम था. किसी का दिल जीतने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, इट वॉज कॉल्ड एज अ गेम. तो अगर आपने देखा भी होगा वो गेम्स काफ़ी फनी थे. इट इज़ काइंड ऑफ अ स्प्लिट्स विला जैसा था. और जो बिग बॉस का अगर नाम भी दे रहे तो वो इसीलिए क्योंकि उन लोग ने ना अपने आप को खड़े करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरे को नीचा गिराने में ज़्यादा बिलीव किया और उनको लगा ऐसे करेंगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा. तो बट ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप वाला सीन हो गया उन पे ही. उनकी उन क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी उन्हीं पे गिर गई. सो या आई थिंक कि जैसा था आई थिंक इट वॉज नाइस. इट वॉज नॉट एग्जैक्टली बिग बॉस बिकॉज बिग बॉस आकर गया था लोगों को, वो पहुँचा मैसेज उनको पहुँचा कि यहाँ पे बिग बॉस वाला गेम चल रहा. बट डूड आई वॉज प्लेइंग लिटरली फ्रॉम दिल से. जो मेरा मन कर रहा था, जो मेरा बोलना था, मैंने वही किया है. और मैं बल्लू के बारे में बोलूँगी, मैं मयूर के बारे में बोलूँगी. एंड जो बिग बॉस खेल रहे थे वो दिख रहा था कि कौन बिग बॉस खेलने आया था. मेरा एक्चुअली बाहर जो मैंने देखा, मेरा शेबू के साथ जोड़ी बनाई गई है. बट शेबू इज लाइक वो घर पे मेरे लिए एक मॉरल सपोर्ट था जिसको मैं मतलब हमारा स्टार्टिंग में झगड़ा हुआ और सडनली एक हफ्ते में इतने हम क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे कि उसकी लाइफ स्टोरी मैंने सुनी, उसकी पर्सनल चीज़ें मेरे को बताने चालू हो गया. तो शायद उसने मुझ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया होगा कि हीना पे ट्रस्ट कर सकते, इसलिए उसने पर्सनल स्टोरी अपनी बताई. सो दैट टच्ड मी समवेयर कि किसी ने मुझ पर इस घर पर भरोसा किया. और वो भी एक 24 साल का लड़का जो शहनाज का भाई है, जिसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको मेरे साथ कोई बात करने का कोई मतलब नहीं था, बट फ्रॉम नो वेयर वो रिलेशन कहाँ से उठ गया वो पता ही नहीं था. इट वॉज ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग. और मैंने पारस को भी बोला था वो एक 24 साल का लड़का है जो मेरा भाई है, मतलब मेरे भाई जैसा उसका नेचर है. ये मैंने स्टेटमेंट दिया था, मतलब मस्तीखोर, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी है जो अगर वो मेरा भाई बनता तो शायद से वो मुझसे बहुत गालियाँ खाता, बहुत मार पीटता, बिकॉज कुछ आदतें उसकी जो मुझे नहीं पसंद है. बट मेरा दोस्त है तो मैंने उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया. मेरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट, जो मैं मस्तीखोर हूँ वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो. मस्तीखोर होना चाहिए, मतलब उसकी सोच और मेरी सोच अलग हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे मेरे में जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ढालना मुझे अच्छा लगेगा और उसके अंदर जो चीज़ें वो मुझ में ढालना मुझे पसंद आएगा, ताकि हमारी लाइफ जर्नी हमेशा स्पार्कलिंग और एंटरटेनमेंट हो. और बहुत मतलब उसकी थिंकिंग बोल्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स होना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट ऑर्थोडॉक्स पर्सन. थिंकिंग हैज़ टू बी लिटिल बोल्ड. तुम्हारा नज़रिया अलग रहेगा, मेरा नज़रिया अलग होगा. मे बी मैं तुम्हारे नज़रिए को समझूँ या तुम मेरे नज़रियों को समझो. सो आई थिंक ये करते 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 हम रिलेशन को पता लेके जा सकते हैं.